आपने जॉब ढूंढा कैसे? कॉलेज में जो सर हमें जो पढ़ाया जाता है ना सर, वो एक्चुअली में सर साइट में सर अलग ही स्किल इंडस्ट्री की डिमांड होती है सर। तो मैक्सिमम सवाल किस चैप्टर से, मतलब किस जोन से था? लाखों में भी कमा सकते सर, उसका मतलब इन्फिनिटी सर लिमिट है, उसकी लिमिट नहीं है सर। आपका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना दिन हो गया आपको अभी ज्वाइन किए हुए? मुझे आईएस कोड प्लास्टर के बारे में बताओ, डिडक्शन क्या होता है प्लास्टर में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब कहते हैं फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है। जब हम पैदा होते हैं ना तो अभी हम फ्रेशर होते हैं, हमको बोलने भी नहीं आता। तो यदि मैं हिंदू के घर पैदा हुआ हूँ तो मैं अपनी माँ को माँ कहूंगा, यदि मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ तो मैं अपनी माँ को अम्मी कहूंगा। क्यों? जैसी ट्रेनिंग वैसा हमारा लैंग्वेज। उसी तरीके से आज एक फिर से एक फ्रेशर ने एक्सपीरियंस्ड का जॉब क्रैक किया। तरीका एक ही है, जिनके साथ रहेंगे, जो सुनेंगे वही बोलेंगे, जैसा ट्रेनिंग लेंगे वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो स्वागत है ऋतुराज जी का। इन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग करके और ट्रेनिंग खत्म करते ही अपनी जॉब को गेन किया। तो स्वागत है आपका ऋतुराज सर। ऋतुराज जी हमारे पुणे ब्रांच के इंजीनियर है, जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया था। और ऋतुराज जी के बारे में बताना चाहूंगा, ऋतुराज जी सतारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2021 में अपनी डिग्री कंप्लीट की। 2021 में डिग्री कंप्लीट की है। ऋतुराज जी आपसे सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि आपने 2021 से 2022 तक क्या कभी जॉब में इंटरव्यू दिलाने का प्रयास किया? हाँ सर, एक बार किया था, तो कंपनी में गया सर, मतलब सतारा जिले की वो कंपनी है, उधर गया, उधर इंटरव्यू दिया। लेकिन कुछ उनका वो बोले कि जाओ हम कॉल करके बताते, लेकिन उनका मतलब कुछ ये नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। तो अब जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू दिलाया, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ लेकिन पहले वाले में नहीं हुआ, दोनों के में क्या डिफरेंस है? सर उस टाइम पे सर जो एक्चुअली साइट में जो एक इंजीनियर को जो स्किल चाहिए सर, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस बार इंटरव्यू दिया तो सर मेरे पास सब स्किल थी, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था मतलब जो सिविल गुरुजी के अंदर मुझे नहीं मतलब पढ़ाया हो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सर मतलब सिविल गुरुजी से मतलब जो पढ़ाया तो इंडस्ट्री की डिमांड है, हम वही सिखा रहे हैं और वही इंजीनियर्स को पूछा जा रहा है, तो लोग आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया ऋतुराज साहब। ऋतुराज जी मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा आगे कि जो अभी आपके पास ये कॉन्फिडेंस और नॉलेज है, वो यदि ज्वाइन नहीं करते आप सिविल गुरु जी, तो इसको आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हुए, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हुए आपको कितना समय लग जाता है इन चीजों को सीखने में? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एज मतलब साइट पे ही जाता, अगर सिविल गुरु जी की ट्रेनिंग ना करते, तो सर उधर क्या मतलब हर कोई हमें समझाने के लिए नहीं बैठा होता है सर, इंजीनियर कुछ मतलब तो सर समझने में सर काफी देर लगती है सर, मतलब जो सिविल गुरु जी ने हमें जो 3 महीने में ट्रेनिंग देते है ना सर, वो सर कंपेरिजन करो तो जो जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी मतलब ये चीजें मालूम नहीं होती सर। आपके साइड में आपने बताया था कि एक बिलिंग इंजीनियर भी है। हाँ सर। उनको आपने उनसे बात करने की कोशिश की पहले अभी, मतलब आज आपने मुलाकात किया उनसे? हाँ सर की बात की। तो अब कल आप जब जाइएगा तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि जो आपको आता है और वो जो काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा काम है क्या वो जो कर रहे हैं वो आपको नहीं आता? ये मेरा एक सवाल है, आप जरूर उनसे पूछिएगा कि जो वो काम कर रहे हैं अपने साइट पे, वो ऐसा कौन कौन सा काम कर रहे हैं, क्या आपको वो काम नहीं आता, क्या आपने नहीं सीखा? ये मेरे साइड से एक इनपुट है, आप सीखने को पूछने कोशिश कीजिएगा। और मैं मेरे को पूरा उम्मीद है आप उसमें हमेशा 20 निकलेंगे। आपको जो आता है, हो सकता है उनको वो नहीं आता हो, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस जरूर ज्यादा है लेकिन आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा रहे। अगला सवाल पूछता हूँ कि आपने जॉब ढूंढा कैसे? सर मुझे एक वर्क इंडिया एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे सर, उधर में हमेशा मतलब जॉब सर्चिंग में रहता था, मतलब सबसे सिविल गुरु जी के ट्रेनिंग में था, जब कॉन्फिडेंस आ गया था पहले 2 महीने में बीबीए सिस्टमेशन सीखने के बाद, तभी से मैं सर जॉब सर्चिंग में। जॉब ढूंढने के बाद क्या किया आपने? सर मतलब जॉब ढूंढा सर, अप्लाई करता गया, मतलब उनको जो सिविल गुरु जी ने हमें सर रिज्यूम बनाने का मतलब सिखाया था, उसी मतलब उस फॉर्मेट में सर हमने रिज्यूम बनाया और हर एक को मतलब भेज देते हैं, मतलब सिविल गुरुजी में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता, सिविल इंजीनियरिंग में ये भी सिखाया जाता है कि भैया रिज्यूमे बना के कैसे पोस्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे बात करना है उनसे। तो जब आप शॉर्टलिस्ट हुए, जब आप पहली बार गए
इंटरव्यू पे फर्स्ट राउंड पे। तो फर्स्ट राउंड पे क्या क्या हुआ आपके साथ? सर फर्स्ट राउंड में सर मुझे एक रिटर्न पेपर दिया था, उधर सर 15-20 बच्चे भी आए थे सर। उन्होंने सर मेरा रिटर्न पेपर लिया था, एक 12 से 15 क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन खुद के बारे में थे और 12 क्वेश्चन सर जो टेक्निकल क्वेश्चन थे जो सर सिविल टूरिज्म में पढ़ाया था, जैसे कि सर लैप लेन, डेवलपमेंट लेन, सारे डायग्राम ड्रॉ करके बीम में कहा देते, कॉलम में कहा देते, टॉप एक्स्ट्रा का फंक्शन क्या होता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, बीम में, सारी चीजें सर उसमें क्वेश्चन पे। आपने तो आसानी से उसको क्रैक कर लिया होगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद कितने लोग पहले राउंड में सेलेक्ट हुए उस 20 लोगों में से? सर उन्होंने पहले सर 20 में से सर उन्होंने पहले 8 लोगों को सिलेक्ट किया। दूसरे राउंड में क्या हुआ? सर दूसरे राउंड में सर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, लैप लेंथ बीच में क्यों, मिड जोन में क्यों देते हैं लैप लेंथ, और बीम का पूछा, टॉप एक्स्ट्रा का फंक्शन। तो मैक्सिमम सवाल किस चैप्टर से, मतलब किस जोन से था? सर मैक्सिमम सवाल सर मेरे जो सिविल गुरुजी ने हमें पढ़ाया, मतलब जो 3 महीने में जो पढ़ाया था सर, उसमें से ही मतलब सर एक भी क्वेश्चन मतलब मुझे आउट ऑफ सिलेबस नहीं था सर। क्योंकि हम वो सारा कवर कर लेते हैं जो बिल्डिंग में, स्पेशली बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो कवर किया जाता है, और भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जो जो छूट जा रहा है, यदि हमको इंजीनियर कहता है कि सर ये वाला छूट गया है, तो वो भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि कोई ऐसा इंटरव्यू हुआ हो जिसमें इंजीनियर से पूछा गया हो सवाल और उस बिल्डिंग से रिलेटेड और सिविल गुरुजी में ना सिखाया गया। तो ऋतुराज साहब एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, अभी आप किस प्रोजेक्ट पे हैं, मतलब क्या काम चल रहा है वहाँ? सर उधर आप सर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग चल रहा है और आरसीसी का सर स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा है। आपका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना दिन हो गया आपको अभी ज्वाइन किए हुए? सर मुझे आज एक ही दिन हुआ है सर। मतलब अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आपने? हां सर। अभी आप साइट पे ही हैं कि घर पहुंच गए? सर अभी रूम पे पहुंच गए सर मैं। तो ये रूम कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है या आपका सेल्फ है? हाँ सर कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है। अरे वाह ग्रेट, मतलब एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बहुत बढ़िया ऋतुराज साहब। तो ऋतुराज साहब जैसे कि आप सतारा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, तो अभी जॉब पोस्ट कहाँ है आप? सर मैं अभी पुना से, इधर पुना से 50 किलोमीटर दूर है क्रांजन गांव, एमआईडी से चल रहा है। तो जैसे कि आपने मेरे को बताया था कि आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो कि सब रायगढ़ में, रायगढ़ एक्चुअली उड़ीसा में, रायगढ़ महाराष्ट्र में। तो उन कॉलेज के जो इंजीनियर्स थे जो आपके साथ 2021 में पास आउट हुए, उनमें से वो इंजीनियर भी इस इंटरव्यू में बैठे रहते और आप इस इंटरव्यू में हो आफ्टर सिविल गुरुजी ट्रेनिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंटरव्यू पे उनको कहाँ कहाँ उनके निगेटिव मार्क्स होते जो उससे जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, या ऐसा क्या हो क्या था जिसके कारण आपने सिविल गुरुजी का ट्रेनिंग ज्वाइन किया? सर कॉलेज में जो सर हमें जो पढ़ाया जाता है ना सर, वो एक्चुअली में सर साइट में सर अलग ही स्किल इंडस्ट्री की डिमांड होती है सर। तो सिर्फ कॉलेज की डिग्री या कॉलेज का फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मतलब कंपनी के लिए मैटर नहीं करता, कंपनी देखती है कि सर क्या स्किल है उस बंदे में, वो मैं सिलेक्ट करूँ। तो सर उनके अगर उनके पास अगर स्किल नहीं है तो सर उनका भी मतलब नहीं बैठते सर। तो ऋतुराज साहब जितना आपने सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, ये पैसा यदि आप अपने बैंक में ही रखे रहते तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता आपको साल भर में? सर कुछ इतना सर 7-8% मिल जाता है। यदि मान लेते हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते तो सालाना लगभग 15-20% मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जो पैसा आपने सिविल गुरुजी में इन्वेस्ट किया है, इसका हर महीने रिटर्न कितना हो सकता है? सर बिल्कुल, मतलब जो सर हमने जो सिविल गुरुजी में किया है ना सर, वो सर आगे जाके सर हम मतलब लाखों में भी कमा सकते हैं सर। उसका मतलब इन्फिनिटी सर लिमिट है, उसकी लिमिट नहीं है सर। मतलब वो 1000 टाइम्स 1200 टाइम्स इतना रिटर्न हो सकता है। तो मैं सर कहता हूं, मैं सब मैक्सिमम इंजीनियर से यही कहता हूं, इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग। यदि आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो लर्निंग का इन्वेस्टमेंट आपको टाइम्स ऑफ रिटर्न देगा, परसेंटेज में टाइम्स में रिटर्न देगा। यदि आपने सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग पे यदि 19,150 रुपए आपको 40% ही फीस पे करना होता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद सैलरी से पेमेंट करना होता है बाकी का, तो यदि आप लगभग 20,000 रुपए माने, तो 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगले महीने से, यदि आपने पूरी ईमानदारी से 2 महीने की ट्रेनिंग की है, तो अगले महीने से आप उतनी सैलरी अर्न करने के काबिल बन जाए। ग्रेट ऋतुराज साहब। ऋतुराज साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके जॉब, जिस जॉब में आप हैं उसमें सबसे हायर पोस्ट में कौन सा है अभी उस कंपनी का हायर पोस्ट?
सर मेरे कंपनी में सर अभी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब है। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे मुलाकात हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर सर का? हाँ सर हुआ हुआ। तो मैं ये पूछूं कि आप कितने सालों में अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देखते हैं? सर मैं लगभग मतलब 5-7 साल में देखता हूँ। 5-7 साल में। और मैं ये कहूंगा आपसे कि आप उससे भी कम समय पे उस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे कि जो ट्रेनिंग अभी आपने सिविल गुरु से ली है, जिस तरीके से सिविल गुरु जी ने आपको 2 महीना सिखा के आपको एक स्किल्ड इंजीनियर बना दिया, प्रोफेशनल इंजीनियर बना दिया, बस आप ये पता कर लो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से उनके पास कौन कौन सी टेक्निकल स्किल है। जिस तरीके से साइट इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर या QS इंजीनियर के लिए इस हम सिविल गुरु जी में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसी ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग होता है। तो यदि आप बस अपने मैनेजर से पूछ लो कि भाई आपको क्या क्या ट्रेनिंग, आपके पास कौन कौन से टेक्निकल स्किल है, वो आप अपने काम के साथ ही सीखना चालू कर दो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीना जो आप जिस पोस्ट में आप अभी हो एज अ साइट इंजीनियर, तो 6 महीने आप एज अ साइट इंजीनियर यदि आप साइट पे खड़े हैं, लेबर हैंडल कर रहे हैं, मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, क्वालिटी हैंडल कर रहे हैं, 6 महीने पे आप 2 बार सिविल गुरु जी का जो आपने ट्रेनिंग किया है, पूरा एस्टिमेशन, पूरा बार बाइंडिंग शेड्यूल, पूरा क्वांटिटी सर्वे, पूरी सर्वेइंग, पूरी बिलिंग आप खुद ही बना डालो उस प्रोजेक्ट का, चाहे आपको कोई कहे या ना। यदि आपको कोई बोलता है बनाओ तब तो मजबूरी है बनाने का, और जब कोई कहता भी नहीं है तो भी आप पहले दिन से ड्राइंग पकड़ो और एस्टिमेशन बनाना चालू, बार बाइंडिंग बनाना चालू, पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करके रख डालो आप 2 महीने। रीजन है इसके पीछे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब भी आपके बिलिंग इंजीनियर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी चीज की क्वांटिटी की जरूरत होगी, किसी चीज की डिटेलिंग की जरूरत होगी, तो आप उनको डायरेक्ट उठा के दे देना, ये लो सर मैं तो पहले ही बना के रख लूंगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो आप बहुत ही कम समय पे साइट से हट के ऑफिस में बैठना चालू कर दो, सिर्फ 6 महीना। 6 महीने से यदि एक दिन भी ज्यादा आप अपने साइट पे रुक रहे हो, मतलब आपका करियर डिस्ट्रॉय होना चालू हो गया। आपको 6 महीने पे साइट छोड़ के ऑफिस ज्वाइन करना है एज अ डिजाइनर, एज अ प्लानर, एज अ क्रिएटर। एक सिविल इंजीनियर होता है, लेबर हैंडल करना इज अ पार्ट ऑफ करियर स्टार्टिंग। ऋतुराज साहब, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप कैसे जो अभी इंजीनियर्स ये डिसीजन नहीं ले पा रहे उसको ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं, आप उनको कैसे गाइड करना चाहोगे? नहीं सर बिल्कुल, मतलब मैं मेरा पर्सनली ये मानना है कि आग बंद करके सर सिविल गुरु जी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए सर, कि मेरा भरोसा है कि सर कि 100% रिटर्न होगा, 100% सर जॉब मिलेगी सर, मेरा ऐसा मानना। थैंक यू सो मच यार। एक और सवाल पूछना होगा, क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए इस ट्रेनिंग में? सर गलती मतलब ट्रेनिंग सर जो हमें होमवर्क दिया रहता है सर वो टाइम टू टाइम करना होता है सर, और जो भी डाउट है सर वो मतलब सर हम पहली बार समझ रहे हैं, आप कितनी भी बार पूछो सर मतलब बता ही देंगे सर, ऐसा नहीं कि एक बार तुमने पूछ लिया दूसरी बार बोला तो सर क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं सर बिल्कुल, मतलब एक डाउट सर आप 10 बार भी बोलो ना तो सर उतनी ही समझदारी से आपको बताएंगे सर, मतलब पूरी लगन से आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और इस तरीके से जो हमको एक्चुअली ट्रेनर्स मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात, क्योंकि क्या होता है लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब को छुड़वा के उनको एज अ ट्रेनर हमने कभी नहीं पढ़ाया था। मैं अपने करियर पे 5 साल का मैंने जॉब किया, उससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया, जब मैंने सिविल गुरु जी चालू किया तब मैंने लोगों को सिखाना और पढ़ाना चालू किया, तो हमारे लिए बहुत टफ टास्क है सिखाना, लेकिन फिर भी हम सेफ जोन में तो रहते ही नहीं, हम हमेशा टिपिकल जोन में ही होते हैं, जहां सेफ जोन में आते हम तुरंत अपने काम करने का तरीका बदलते हैं। वैसे ही आपको भी और जितने व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि अपना सेफ जोन छोड़ो। तो ऋतुराज साहब, आपने 2021 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद ही आप जॉब के लिए ट्रेनिंग ले लिए, गवर्नमेंट की तैयारी क्यों नहीं किया आपने? नहीं सर, गवर्नमेंट में क्या होता है सर कि मतलब लाखों बच्चों सर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ 1% ही सर निकल के आते हैं मतलब। और मैं एक डेटा बताऊं तो 0.03% सिलेक्शन रेशियो है हमारे इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर्स का, गवर्नमेंट 1% भी नहीं। तो ऋतुराज साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस यही कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद सर सिविल गुरु जी को, जिन्होंने मुझे कभी मतलब मैं हरीश सर हो मतलब इनको कितना डाउट पूछता था लेकिन सर मुझसे कभी परेशान नहीं हुए, उन्होंने उतनी लगन से सर डाउट पूछा तो सर, और जो होमवर्क था वो किया सर, इसका ही नतीजा है सर कि मुझे आज ये जॉब पोस्ट सिविल गुरु जी की वजह से मिल गई सर। थैंक यू सो मच ऋतुराज साहब, थैंक यू सो मच।
और थैंक यू सो मच कि आपने भरोसा दिलाया और हमें काम करने का मौका दिया कि हम आपको आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने पे मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। हर बार की तरह अगली बार फिर मिलेंगे और मैं कहूंगा आपसे रुद्राज साहब, जब जब आप अपने करियर में अचीव करें तब तक हमें बताइए, हम आपका अचीवमेंट लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे इस इंडस्ट्री को हम वापस खड़ा कर सके, क्योंकि सिविल इंजीनियर के कारण ही देश में इंडिया में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो मोक्ष गंडम विश्वेश्वरैया जी के सपनों को हमको फिर से खड़े करना है। सिविल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, तो इस इंजीनियरिंग को वापस एक पल देना है, वापस इसको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जिसके लिए लोग इंजीनियरिंग को चूज करते हैं। तो आपका साथ बने रहेगा, आपका प्रयास रहेगा, आपको पहुंचाना है आपके करियर के ऊंचाइयों। थैंक यू सो मच।